चेक करना। आपको लगता है यस, इससे आपका आपकी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, समाज को एक नया मैसेज जा सकता है, तब उस काम को पकड़ने के बाद और 1000 भी लोग आएंगे तो उनको टाटा बाय बाय भी कहना हमारा हक का ही काम है। अच्छे लोगों का सिलेक्शन और बुरे लोगों का रिजेक्शन हमको आपको। यजा ग्रतो दुर्मुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं पहुंच आया हूं हजारों लोगों की तलाश करते करते उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। आज इसी पावन जिले के एक जबरदस्त आउटस्टैंडिंग ट्रेमेंडस फैंटाबुलस एंड फैंटास्टिक पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम विनय पांडे है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल होगा कि आप एक आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत पर्सनैलिटी हैं, आध्यात्म से गहरा वास्ता है। पांच देशों का आप यात्रा कर चुके हैं बिजनेस पर्पज से। आपकी जिंदगी सेटल्ड थी, लाखों रुपए आपने अपने जिंदगी में कमाया, समाज की आपने सेवा करी, और एक समय ऐसा भी था जब आप जनसंख्या नियंत्रण पर भी आपने जबरदस्त तरीके से काम किया। लंबी यात्रा रही आपकी, जीवन में बहुत सारी सफलताओं का चुम्बन आपने किया, और आज भी आप कई सारे समाज सेवा के एक अच्छे पद पे शोभायमान हैं। आज मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि एक वेल सेटल्ड इंसान, एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी क्या करने आया है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। थैंक यू सो मच राघव जी, मैं जो है आपका पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने एक ऐसा व्यवस्था बनाया है कि बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग जो बहुत सारे बातों को नहीं रख पाते थे, एक आपने उनको मंच दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके द्वारा जो किया गया संकल्प है परमपिता परमेश्वर, उसको एक जो आपका आयाम है वो पूरा हो। थैंक यू सर। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया राघव जी कि मैं क्या करने आया हूँ। जी एक्चुअली क्या होता है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ जो है एक ड्रीम्स होता है। वैसे भी मेरे जीवन में बहुत कुछ करने का ड्रीम्स था, और उसके लिए हर आदमी तय एफर्ट डालता है, और हमने एफर्ट डालने का प्रयास किया। उसे सिलसिले में तमाम जगह आने जाने का ईश्वर ने जहाँ जहाँ कार्य निर्धारित रखा था वहाँ पर पहुँचने का मौका मिला। लाभ हानि जीवन मरण जस अबजस विधिहात, इस क्रम को देखते हुए ईश्वर ने जो भी दायित्व दिया उसको पूरी आस्था और मन के साथ काम करने का कार्य किया। लेकिन जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जी बिल्कुल। उसी क्रम में मेरे जीवन भी जो है, मैं फैमिली के साथ सेटल था मुंबई में, एंड कोविड की जब पैनिक की स्थिति आई तो जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग उससे जो है इफेक्ट हुए, तो उससे हमारी भी परिवार पे इफेक्ट पड़ा जी। और हमारा जो बिजनेस था वो टोटली कोलैप्स कर गया जी। और मुझे ऐसा लगा मुझे अभी क्या करना चाहिए, तो हमने कहा कि नहीं, प्रभु की लगता है कोई इच्छा है जी। और प्रभु जैसे जैसे कराते रहे, उस समय भी उससे जो बन पड़ा समाज की सेवा के लिए मैंने कार्य किया मुंबई से लेकर के जो है यूपी तक जी। एंड देन कुछ पारिवारिक सिचुएशन, पर्सनल सिचुएशन, फैमिली का हेल्थ इशू था मदर का, इसके वजह से फिर मैं जो है अपने नेटिव प्लेस शिफ्ट हुआ। एंड बस एक चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था, लाखों रुपए का मेरा सेटअप था, लाखों रुपए का मेरा ऑफिस था जी। और कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जिससे लॉस जो है मुझे अफोर्ड करना पड़ा जी। फिर फाइनली मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, क्योंकि मेरा कहीं कहीं मैंने जैसे बता ही चुका हूँ आपको जी, ईश्वर के प्रति बड़ी आस्था है, और मैंने सोचा कि नहीं कुछ अब अलग करना चाहिए। तो मैं भगवान से एक ही अफर्मेशन करता था जी, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, अब मैं जिस व्यापार में पैसे लगाने हैं उस व्यापार को नहीं करना है जी, और इस ढंग का कुछ मुझे व्यापार प्रभु देना है जिससे मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। क्योंकि जब मैंने बहुत सारी यात्राएं किया, बहुत सारे मित्रों, बहुत सारे दोस्तों, उनके पास एक जो मेजर फैक्टर होता था वो होता यही होता था कि हर आदमी फाइनेंशियली क्राइसिस से जो है गुजरता रहता है, वो कुछ भी करता रहता हो लेकिन वो उससे निकल नहीं पाता था जी, और जी, ये संख्या बहुत है सर, बहुत है, बहुत सारा, बहुत बड़ा पेन था। तो फिर भगवान से जब मैंने प्रार्थनाएं की तो जाने अनजाने उतना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारी हमारे जीवन में नेटवर्क इंडस्ट्री, बहुत पहले से मैं जानता था, ऐसा नहीं आई नो मुझे पता था, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्चुअली बहुत सारे लोग फेलियर भी होते हैं। वो क्यों होते हैं सब लोगों को पता है। फिर मैंने रिसर्च किया कि जो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ को बदल पाए और लाखों की लाइफ में वो जो है इम्पैक्ट डालते हैं जी, तो हमने उस पर रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद ऐसे ही ईश्वर की कृपा से जी, मैं जो है सर्फिंग कर रहा था इंटरनेट पे, तो नेटवर्क इंडस्ट्री के जो है मुझे रूबरू होने का मौका मिला जी। और मैं
फिर काम करना चालू किया जी। और ईश्वर की बड़ी कृपा है और तमाम जो हमारे गुरुजन लोग हैं उनसे सीखते हुए जी। इस इंडस्ट्री की और बारीकियों को डेप्थ में जा कर के और डेप्थ में जा कर के हमने सीखने का प्रयास किया जी। और जैसे आपने आपने इतना सीख डाला कि 5 से 6 महीने के अंदर 6,000 लोगों का परिवार बना डाला। यस यस, जिंदगी में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप आए और आते ही आपने जबरदस्त T20 बैटिंग कर डाली। यस, अद्भुत रहा। एक्चुअली मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, ये अद्भुत था। और ये जो 5 महीने में ये अद्भुत कारनामा हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री की ही ताकत है। और कहीं ना कहीं मैं वो धन्यवाद करना चाहता हूँ जो है ईश्वर का, कि ईश्वर ने इस लायक मुझे समझा कि आज मैं लोगों के जीवन में कुछ आर्थिक उन्नति की तरफ मैं आगे उनको बढ़ा सकूँ। और इसीलिए मैं उनका आज आपको लगता है कि जो हादसा आपके साथ हुआ पैंडमिक सिचुएशन में, आपका बिजनेस कोलैप्स कर गया, आज आपको अच्छा फील हो रहा है कि ईश्वर ने मेरे साथ सही किया? नहीं तो आज आप समाज की सेवा करने की जो दिली तमन्ना थी, खास करके अर्थ की जो आपने बात बताई कि हर इंसान की जिंदगी में इसकी बड़ी कमी है, आप उसकी भरपाई कर पा रहे हैं। यस, व्हाई नॉट गौरव जी। एक्चुअली मुझे आज ये बातें समझ मिलता है कि प्रकृति भविष्य गर्म बहुत कुछ रखती है और हम अपने आप को प्रकृति को सबमिट नहीं करते हैं। नहीं करते। अगर हम सबमिट कर सकते हैं तो 100% प्रकृति आपके लिए नेक्स्ट कुछ बेस्ट ही रखा है। आपको समर्पण करना है ईश्वर के प्रति। जैसे ही आप जो है जिसको आप मानते हो, जो भी जिसको मानते हो, अलग मैटर है। मैटर यह करता है कि अगर आप आस्था रखते हो उस डिवाइन के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर, तो निश्चित ही वो आपको कहीं ना कहीं सही मार्ग पे, सही ट्रैक पे लेके आता है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से हमारा तो बिल्कुल भला होगा, लेकिन हमारे साथ आज जो 6,000 लोग एसोसिएट हो चुके हैं उनके परिवार में भी हम पहुंच करके उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। यस, कई कई देशों की यात्राएं आपने की, आपका खुद का बिजनेस था, अच्छा खासा पैसा आप कमा रहे थे। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेहतरीन चीज आपको क्या लगी जो आपको इस बिजनेस में आने के लिए बाध्य की? क्योंकि सर आपके पास पोटेंशियल, 5-6 भाषाओं का ज्ञान आपके पास है, स्पिरिचुअल में अच्छा खासा आपका गहरा नाता है उससे। आप तो कुछ भी कहीं भी कर सकते थे, कभी भी अपने बिजनेस में बाउंस बैक कर सकते थे। नेटवर्क मार्केटिंग को ही आपने अपना अंतिम लक्ष्य क्यों माना, भौतिक में अगर बात करूं तो अर्थ के लिए? यस, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये मानना है कि आज बहुत सारे लोग जो बिजनेस को उठाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब को करते हैं, तो कहीं जॉब में सेटल नहीं है। आज जॉब की इतनी सारी क्राइसिस चल रही है, इतने सारे मेंटली प्रेशर दबाव में आदमी जो है बहुत सारे जो है नशे के एडिक्शन में चला जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, पारिवारिक कला हो जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटली फ्रस्ट्रेशन लेके आता है। इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात है कि आप हमेशा चार्ज होते हो, आपकी जो ऑरा होता है वो एकदम जो है तेज रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे हैंड्स होते हैं। यहाँ पे जो 1 करोड़ रुपए कमाने वाला है वो भी ये बताता है कि आ जा भाई तू मेरे जैसा बन जा। लेकिन आम इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो हर आदमी आपका पैर खींचने वाला होता है और ये बताता है कि भाई साहब आपको यहाँ तक आना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ हर आदमी आ सकता है, यहाँ आ सकता है। और मैं इसी लिए अच्छा लगता है कि यहाँ पर हर आदमी सपोर्ट करके दूसरे को ऊपर खींचने का प्रयास करते हैं। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जब आप प्रतापगढ़ की धरती पे नेटवर्क मार्केटिंग का हुंकार भरते होंगे तो बहुत सारे लोग, समाज सोसाइटी के लोग आपके बारे में बोलते होंगे कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा, विदेश की यात्रा, अपना खुद का बिजनेस, पता नहीं कौन से धंधे में चले गए। लोग आपको राय देते होंगे, मशवरा देते होंगे कि पांडे जी कौन सा धंधा आपने करना शुरू कर दिया, आपके पास इतना सारा एजुकेशन है, आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, आप तो कुछ भी बड़ा कर सकते थे, फिर ये फंसने फंसाने की दुनिया में क्यों आप चले आए? लोग ऐसा आपको सजेस्ट करते होंगे? यस, बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं सब लोग बताना भी चाहता हूँ। मित्रों, वो वही सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको पैर खींचने वाले लोग होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग कहते हैं। लेकिन देखिए, लोगों का काम है कहना, हमारा काम यह है कि हमारा जो है विजन और गोल जो है सख्त क्लियर होना चाहिए और एक टाइम फ्रेम के अंदर हमको वहाँ तक पहुँचना है जी। और अगर हम उनकी बातों को सुनेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो लोक कल्याण का लक्ष्य है कि लोगों तक पहुँच करके अपने देश के लिए, जो हमारे देश में बेरोजगारी की त्राही त्राही मची हुई है, उस त्राही त्राही से निकाल करके लोगों के मुख्य धारा से जोड़ करके जो फाइनेंशियली है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, उनको उस मुख्य धारे पे लाने का कार्य मैं कर रहा हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप इस बिजनेस में आए हैं, 6-7 महीने के अंदर आपने ताबकतोड़ बैटिंग करी है, तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच भी करते होंगे कि आप मेरे साथ आ जाइए, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, आपका क्या कहना होता होगा लोगों से? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर आपने किया, मैं बताना चाहता हूँ इस विषय में भी, और आपके चैनल माध्यम से जो हमको आज देश विदेश में सुन रहे हैं उनको भी एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ। इंडस्ट्री में काम करने से पहले जी, नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने से पहले किसी जो है मैंने अपने अपलाइन से सुना था
उन्होंने कहा था कि आप जब भी कोई काम करने से पहले 1000 बार उसको आप चेक करें, आपको लगता है यस इससे आपका आपकी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, समाज को एक नया मैसेज जा सकता है, तो उस काम को पकड़ने के बाद और 1000 भी लोग आएंगे तो उनको टाटा बाय बाय भी कहना हमारा हब का ही काम है। अच्छे लोगों का सिलेक्शन और बुरे लोगों का रिजेक्शन हमको आपको खुद करना पड़ेगा दोस्तों। कभी कभी बहुत सारे लोग ग्रेडी टाइप के होते हैं, लालची टाइप के होते हैं, किसी ने थोड़ा सा निवाला क्या फेंका लोग लपक के पकड़ना चाहते हैं, जबकि यहाँ उसको पता है कि ये अथाह समंदर है जहाँ बहुत सारे खजाने हैं, फिर भी अपने खजानों को भूल कर, कहते हैं ना कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तो कभी कभी लोग अपने अंदर की कलाओं को, अपने अंदर की शक्ति को, अपने कंपनी की पोटेंशियल को छोड़ दूसरी की कंपनी को पकड़ लेते हैं, क्या वहाँ जिंदगी बना पाते हैं क्या लोग? नहीं देखिए सर, ये तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है कि लोगों को लगता है कि कुछ हो सकता है, लेकिन वो उससे हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, मोस्ट ऑफ लोग अपने गोल को ही नहीं जानते हैं कि मेरे जीवन के लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कितना कितना बड़ा हमारा लक्ष्य है, वो लॉन्ग विजनरी नहीं हो सकते हैं। तो अगर कोई यहाँ वहाँ जो है जा रहा है, भटक रहा है, तो उसका मतलब जो उसने सेलेक्ट किया वो पहले वो गलत था, तो उसको और रिसर्च करने की जरूरत है। स्टार्ट करने से अगर कोई भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये क्लियरिटी कर लें कि मुझे करना क्या है, करना क्या है, बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से करना है, किस आप कंपनी में जा रहे हैं, ये सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको रिसर्च करना चाहिए। आप लोगों से, आपसे बहुत सारे लोग ये बात बोलते होंगे कंपनी भाग गई तो, यस है, yes. सबसे बड़ा क्वेश्चन यही समाज में उछल के आता है कि भैया कंपनी भाग गई तो क्या गारंटी है? देखिए हम अगर ऐसे लोगों का मैं उत्तर देना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपका रिसर्च अच्छा है तो कंपनी कभी नहीं भागती है। और हाँ, आज किसी भी चीज़ पे अगर कोई गारंटी की बात करता है तो एक छलावा ही हो सकता है, छलावा ही हो सकता है। क्यों हो सकता है कि जब मेरी अपनी गारंटी नहीं कि घंटे बाद हमारी आपकी मुलाकात हो सकती है, तो किसी कंपनी के विषय में इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, आपको यह लगना चाहिए कि व्हाट इज द बिजनेस एक्चुअली बिजनेस। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर एक सेलर और एक बायर है, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला है, और दोनों के बीच में जो प्रॉफिट हो रहा है, जितना तो आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी की फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी किस तरीके से जो है उनके जो है आइडियोलॉजी क्या है, किस तरीके से वो आगे चल करके उनका उनका विजन क्या है, ये सारे मैटर, वो एट प्रेजेंट किस किस जगह पे खड़े हैं और उनका विजन नेक्स्ट 5 ईयर का क्या है, ये समझने के बाद आपको कंपनी में जाना चाहिए। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे होगा, सपोज करिए कि जैसे आपने कहा कि जीवन का भरोसा नहीं है, सपोज करिए 6000 7000 8000 की टीम है, सारी टीम आपकी जीरो हो गई, क्या आपका बिलीफ सिस्टम डाउन हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, या फिर इसी आत्मविश्वास के साथ आगे निकल जाएंगे आप? जी मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मित्रों कि आपने जब सिलेक्शन अच्छा किया है, अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो बिल्कुल निश्चित मान के चलिए आम के जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो वृक्ष देते ही हैं, और कहीं ना कहीं अगर एक वृक्ष दो वृक्ष होते तो शायद हो सकता था। 6000 ऐसे लोग आ चुके हैं जो कहीं ना कहीं हमारे साथ अपनी विचारधारा अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी अपनी जो है अपनी ड्रीम्स हैं, हो सकता है मेरे ड्रीम्स छोटे हो सकते हैं, आज हमारे साथ पूरे भारतवर्ष से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग जुड़े हुए हैं, इस पर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे बैंक मैनेजर्स हमारे साथ हमारे सिस्टम में काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो है अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रकार प्रकार के रिटायर्ड सेना के लोग काम कर रहे हैं, एडवोकेट काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं, ये वेल क्वालिफाइड लोगों का बिजनेस है, जो समझेगा वो करेगा, जो नहीं समझ पाएगा वो निश्चित ही आ तो जाएगा लेकिन चला जाएगा। अभी आपने एक बात कही वेल क्वालिफाइड, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, अब डिग्री की बात कर रहे हैं, तो क्या वेल क्वालिफाई का मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? यस, क्वालिफाई स्क्रीन का मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है, देखिए मित्रों शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक हम डिग्री डिप्लोमा लेते हैं और इसको कह सकते हैं एक औपचारिक और एक अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक जो शिक्षा होती है व्यक्ति ले सकता है, लेकिन अगर उसको काबिल बनना है तो कहीं ना कहीं जीवन में उसको समाज में निकल करके ग्राउंड लेवल पे जो है काम करना पड़ता है, और एट प्रेजेंट अपडेटेड क्या चीज़ें हैं, आज ये इन्फॉर्मेशन का टाइम है, आपके पास इंडस्ट्री की कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, जिस इंडस्ट्री को आप समय दे रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि नेटवर्क इंडस्ट्री सब करेंगे या कराएंगे, लेकिन मैं बताते हुए जो खुशी हो रही है कि आने वाला ये दो तीन साल है वर्ल्ड वाइड जो है नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत पूरे बूम पे रहेगी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है आप सब लोगों का फ्यूचर है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए। यस, बहुत सारे लोग ये बात बोल देते हैं कि भैया मैंने दुनिया देखी है, उनका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 4-5 देश आपने देखा है बहुत अच्छे तरीके से, तो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर कहाँ जाने वाला है? 2025 तक लोग बताते हैं 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है, आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कहाँ तक देख पा रहे हैं? यस, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आपके क्वेश्चन से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का बेनिफिट होने वाला है,
और उससे मैं क्लियरिटी रखना चाहता हूँ कि आप 65,000 करोड़ की बात कर रहे हैं सर, भूत आपका क्या पास्ट गया है, क्या प्रेजेंट है और क्या भविष्य हो सकता है, इनको देखना चाहिए जी। आप उठा के देखें पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर डाटा आप उठा के देखते हैं, आप यूएस को देखिए सर, आप 65,000 की बात करें, 1,00,000 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कर चुका है। इसका मतलब ये है कि हमसे आपसे ज्यादा वो ऑलरेडी चीजों को बहुत पहले समझ चुके थे। आज भारत में नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से सर आप 65,000 करोड़ की बात करें, मुझे तो और उससे ज्यादा जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग उसकी बता रहे हैं, क्योंकि आज आज आप आज ये जो समय चल रहा है तकनीक और टेक्निक का है, सिस्टम के माध्यम से। सर मेरी मेरी अंदर वो टैलेंट नहीं था, इंडस्ट्री का ही देन था। यार 6,000+ 4 से 5 महीने में हमारे साथ लोग आ गए, तो ये मेरी अपनी क्वालिटी नहीं थी, इंडस्ट्री की क्वालिटी थी। और आज बिजनेस सिर्फ इंडिया का नहीं रह गया है, बिजनेस आज पूरे वर्ल्ड में आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं, क्योंकि सिस्टम और तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। यस, आज देख रहे हैं एक ऐसे ट्रेमेंडस पर्सनालिटी से मेरी बातचीत हो रही है जिनका नाम विनय पांडे है। सर कई देशों की यात्राएं की हैं बिजनेस सेक्टर को लेकर के, उसके साथ में लाखों रुपए सर ने कमाया है, इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ कमाया, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान धारा से जुड़े रहने से, कहते हैं कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, क्या सर? यस 100%। बस ये होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। हमको आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं, और एक्चुअली व्यक्ति के जीवन में इतने झंझट और झंझावात है सर, कॉमन आदमी नहीं समझ सकता है। उसके लिए एक ही रास्ता है। देखिए सर, हर आदमी रिसर्चर और डेवलपर नहीं हो सकता है, हर आदमी लॉन्ग विजनरी नहीं हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपके घर में आपका कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, आपके दरवाजे तक जाता है, एटलीस्ट उसको सुनो जी। करने अथवा न करने का निर्णय अपने पास सुरक्षित रखिए, लेकिन उसको सुनिए जरूर मित्रों। यस, एक आखिरी मेरा सवाल होगा, बहुत सारे यूथ आज भी नौकरी के लिए दिन रात परेशान है, और उनके माँ बाप भी अपने बच्चों को बार बार प्रेरित करते हैं, बेटा पढ़ लिख और बन जा नौकर अपनी जिंदगी में। आज आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या उन्हें नौकरी की ओर जाना चाहिए या नेटवर्क मार्केटिंग को आना चाहिए? यस, देखिए मुझे यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे जो है पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और बहुत सारे फैमिली वाले भी इस बिजनेस में आ रहे हैं। जॉब में एक अलग माइंडसेट होता है जी, बिजनेस में एक अलग माइंडसेट होता है, बिजनेस में एक ब्राइट लेवल पे एक बड़ा कुछ आप कर सकते हैं बहुत कम समय के अंदर, स्वतंत्र विचारधारा दिखती है वहाँ। यस, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप अपने बिजनेस को पूरे विश्व में, पूरे भारत में या पूरे परिक्षेत्र में बिजनेस को फैला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार करें या न करें, लेकिन बैठ करके उनको समझना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। यस, डिस्कशन जरूर करना चाहिए। जो मैच्योर जो है विद्यार्थी हैं, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि इसको एक बार स्टडी करें कि क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है, इंग्लैंड में क्या चल रहा है, और आज भारत किस तरीके से एक बूम अप की जा रहा है, 65,000 करोड़ का ये बिजनेस कैपिटल होने जा रहा है। तो उस पर अगर इतनी बड़ी बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि लोगों को विचार तो जरूर करें। इसी तर्ज पे मैं सिर्फ एक सवाल आखिरी आपसे करना चाहूंगा कि लोग मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की खुदाई तो पढ़ लेते हैं, 10 साल 50 साल 500 साल पहले क्या हुआ है, लेकिन लोग 10 साल आगे का नहीं पढ़ पाते कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोगों को हमेशा लॉन्ग विजन होना चाहिए। आज जिस लोगों ने दूर तक सोचने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैं। सर सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। आज आप अगर हम 4 साल 5 साल 10 साल की बात नहीं सोच पाएंगे, तो हमारा डेवलपमेंट संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति को आज का तो जरूर है जो परिस्थिति है, उसे प्रभावित ना हो करके आगे क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए हमेशा इंसान को लंबी दूरी तक दृष्टि रखनी चाहिए। यस, आज मेरी बातचीत हो रही है जबरदस्त फिनोमल पर्सनैलिटी से, जिनका नाम मैंने आपको बताया विनय पांडे सर का नाम है, और एक नायाब इंसान है, आध्यात्मिक ज्ञान धारा से ओतप्रोत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अंदर एक धड़कता हुआ दिल है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। शायद ईश्वर ने इसीलिए इनके बिजनेस को कोलैप्स कराया, और आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में विद इन 6 मंथ के अंदर 6,000 से ज़्यादा लोगों का परिवार बना लिए हैं। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं कॉल करें, बातचीत करें, सिर्फ एक सवाल करें, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।